हेलो चिल्ड्रन इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं मतलब पहले से बने हुए हैं ओके हमें सिर्फ क्या करना है उसको यूज करना है ओके तो फर्स्ट फंक्शन इज लें फंक्शन राइट दिस मैथड रिटर्न लेंथ ऑफ द टपल दैट इज द काउंट ऑफ एलिमेंट इन द टपल सकते हैं की टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स है ओके okay? तो लैंड फंक्शन क्या करता है लैंड फंक्शन काउंट करता है कि टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स है राइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टपल राइट ओके तो इसका सिंटेक्स क्या है लेन ओके okay, और length function के अंदर हम क्या पास करेंगे? हम क्या करेंगे 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 वो टपल पास करेंगे जिसका हमें जानना है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं फाइन ओके सो अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे एक टपल ली है ई एम पी टपल जिसके अंदर एलिमेंट्स है रोहन

ओके टपल नेम पास किया लें फंक्शन में अब देखो इसका रिजल्ट क्या आया है फोर राइट व्हाट इट इज टेलिंग यू इट टेलिंग एम पी टपल हैज फोर एलिमेंट्स ठीक है ई एम पी टपल के अंदर फोर एलिमेंट्स है ओके नेक्स्ट वी हैव टपल टी वन टी वन इज द नेम ऑफ द टपल अब इसका फर्स्ट एलिमेंट है एक लिस्ट ओके जिस This is the list. First element, second element is also a list. Okay, third element is your character. Okay, third element is the character and the fourth element is float. Fine. तो यहाँ पे basically कितने हैं? इसमें भी four elements हैं। अगर हम len function का use करते हैं, len के अंदर हम tuple name को pass करेंगे, tuple name को pass करेंगे, तो हमारा result क्या आया है? Four राइट right? so, सो ये पता कर सकते हैं कि टप्पल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं राइट नेक्स्ट अगेन वी हैव एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है टप्पल टी टू उसके अंदर उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है खुद एक टप्पल है ओके एंड सेकेंड एलिमेंट फोर एंड देन फाइव फाइन ओके तो इसके अंदर थ्री एलिमेंट्स है वन टू एंड थ्री ओके okay? अब आपने फंक्शन के अंदर टपल को पास किया टी टू तो इसका रिजल्ट क्या आ गया है थ्री राइट सो वॉट इज द यूज ऑफ len फंक्शन विद द हेल्प ऑफ len फंक्शन वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ टपल राइट ओके नाउ द नेक्स्ट मैथड इज टपल मैथड क्वें लाइक स्ट्रिंगलेस डिक्शनरी ओके तो टपल फंक्शन का क्या यूज है टपल फंक्शन की हेल्प से हम क्या क्रिएट करते हैं हम लोग टपल क्रिएट करते हैं राइट right? और टपल कैसे क्रिएट करते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्वेंसेस ठीक है टपल हम किससे क्रिएट करते हैं सिक्वेंसेज से क्रिएट करते हैं सिक्वेंसेज आपको पता है क्या होता है ठीक है आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग में क्या एलिमेंट्स है? होते हैं स्ट्रिंग करेक्टर्स होते हैं ओके okay, आप उसको वन बाय वन एक्सेस कर सकते हो लिस्ट में आपके आइटम्स होते हैं वन बाय वन आप उसको आइट्रेट कर सकते हो उसे एक्सेस कर सकते हो सेम वे वी हैव द डिक्शनरी ओके तो टपल क्या करता है इट इज़ यूज टू क्रिएट टपल, टपल की help क्या करते हैं टपल फंक्शन तो के, है, के अंदर आपको पास करना है कोई भी सिक्वेंस ओके सिक्वेंस स्ट्रिंग सिक्वेंस आप पास कर सकते हो लिस्ट आप पास कर सकते हो डिक्शनरी आप पास कर सकते हो लाइक like कोई भी सिक्वेंस आप इसके अंदर पास कर सकते हो ओके okay?

ओके okay. आपने सिंपल टप्पल ले लिया विदाउट एनी सिक्वेंस तो क्या होगा ये एक एमटी टपल बना लेगा ठीक है आपकी एम टपल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा फाइन ओके okay. अब इसको एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं देखो क्रिएटिंग एमटी टपल अगर आपको सिर्फ एम टी टपल बनानी है तो आप क्या कर सकते हो सिंपली टपल मेथड को आपने यूज कर दिया टपल ओके okay. इसके अंदर टपल मेथड के अंदर आपने कोई भी सीक्वेंस को पास नहीं किया है तो आपका क्या क्रिएट क्या हो गया आपकी एम टी टपल आ गई है एम टी टपल टपल विच इज विच इज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट ओके नेक्स्ट क्रिएटिंग टपल फ्रॉम अ स्ट्रिंग ठीक है अब हम क्या करते हैं स्ट्रिंग सीक्वेंस को पास करके टपल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टपल फंक्शन ओके okay. तो हमने एक वेरिएबल लिया टी टी इक्वल टू टपल और टपल फंक्शन में हमने पास कर दिया एक स्ट्रिंग ठीक है हमने पाइथन को पास कर दिया ये क्या स्ट्रिंग है हमारा ओके अब देखो अब ये क्या करेगा टपल फंक्शन इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा टपल फॉर्म में ओके और वो कन्वर्ट होके कहाँ चली जाएगी यहाँ पे हमने वेरिएबल टी लिया हुआ है इसमें चला जाएगा तो जब आप टी को प्रिंट कराते हो वेरिएबल टी को प्रिंट कराते हो तो आपको एक टपल मिल गया देखो तो क्या हुआ है यहाँ पे इंडिव जो करेक्टर्स थे स्ट्रिंग के करेक्टर्स राइट वो अब क्या बन चुके हैं टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स बन चुके हैं पी वाई टी एच ओ एन ओके तो इस पर्टिकुलर टपल में कितने एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स एलिमेंट्स की हमारे पास टपल आ गई है फाइन सिक्स एलिमेंट्स की आपने टपल क्रिएट कर दिया है बाई पासिंग द स्ट्रिंग इन टपल फंक्शन फाइन ना नेक्स्ट क्रिएटिंग टपल फ्रॉम अ लिस्ट ठीक है हमने पहले स्ट्रिंग से टपल क्रिएट की अब हम लिस्ट से टपल क्रिएट करेंगे सिंपली आपने टपल फंक्शन लिया और टपल फंक्शन में आपने लिस्ट को पास कर दिया ओके लिस्ट को पास कर दिया अब टपल फंक्शन क्या करेगा इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा टपल में ओके वो टपल कहां पे जाके स्टोर हो जाएगी टी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी फाइन अब जब आप टी वेरिएबल को प्रिंट कराते हो तो क्या आपको मिल गया आपको टपल मिल गई है राइट यू हैव गॉट द टपल जो जो पहले क्या list. अब क्या थी लिस्ट लिस्ट अब है के एलिमेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं वो क्या बन गए टपल के एलिमेंट्स बन गए ठीक है देखो लिस्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है स्क्वायर ब्रैकेट ओके और टपल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है सर्कुलर ब्रैकेट्स राइट और यू कैन से राउंड ब्रैकेट्स तो यहाँ पे देखो हमारी टपल क्रिएट हो गई है फाइन नेक्स्ट क्रिएटिंग टपल फ्रॉम कीज ऑफ डिक्शनरी राइट अब आपने क्या लिया टपल फंक्शन के अंदर आपने पास कर दिया डिक्शनरी को ये हमारी डिक्शनरी है ओके okay. ओके okay. उसकी की है वन की ओके और उसकी की की वैल्यू क्या है वन देन आपकी two, two की टू और टू की वैल्यू है दिस इज टू स्ट्रिंग देन थ्री की एंड देन वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू फाइन तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव क्या है कीज है ओके okay, तो क्या करेगा टपल फंक्शन क्या करेगा डिक्शनरी की जो कीज है ओके okay? डिक्शनरी की जो कीज है उनको कन्वर्ट कर देगा टपल एलिमेंट्स में फाइन टपल एलिमेंट्स में ओके okay, तो अब आप देखो जब आप टी को प्रिंट कराते हो ठीक है तो क्या है आपका वन टू थ्री फोर फाइव टपल आपकी बन गई है और टपल किस किसकी हेल्प से बनी है ये डिक्शनरी की कीज से बनी है फाइन ओके okay, तो यहाँ पे देखो पाइथन कंसीडर ओनली द कीज ऑफ द पास डिक्शनरी टू क्रिएट टपल ओके तो वो क्या कह रहा है जब आप डिक्शनरी को पास करते हो टपल के अंदर टपल फंक्शन के अंदर तो क्या करता है वो उसकी कीज से टपल एलिमेंट्स क्रिएट करता है मतलब जो डिक्शनरी की कीज होती हैं वो टपल के एलिमेंट्स बन जाते हैं फाइन ओके ओके okay, अभी मैंने आपको क्या बताया कि टपल फंक्शन के अंदर आपको क्या पास करना है आपको सिक्वेंस पास करना है फाइन और सिक्वेंस को जैसे स्ट्रिंग है आपका लिस्ट है डिक्शनरी ओके okay? अगर आप कोई अदर वैल्यूज के अंदर पास करते हो ठीक है सिक्वेंस पास नहीं करते हो कुछ और पास करते हो तो क्या होगा इट विल क्रिएट एन एर इट विल इट विल लीड टू एन एर राइट आप देखो एग्जाम्पल देखो हमने टपल फंक्शन लिया ओके okay? और टपल फंक्शन के अंदर हमने पास कर दिया फाइन ओके okay. फाइव क्या है इंटीजर है इट इज़ नॉट अ सीक्वेंस ओके तो अगर आप ये ये स्टेटमेंट देते हो तो क्या होगा एरर क्रिएट हो जाएगा एरर देखो यहाँ पे टाइप एरर आ गया टाइप एरर इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल इसका मीनिंग क्या है वो ये कह रहा है कि आप टपल फंक्शन के अंदर सिर्फ सिक्वेंस को पास करोगे सिक्वेंस क्या होता है सिक्वेंस आ, वो डेटा uh, टाइप्स uh, uh, होते हैं जिसके ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को आप आइट्रेट कर सकते हो आइट्रेट मींस वन बाय वन एक्सेस कर सकते हो जैसे लिस्ट है लिस्ट में वन टू थ्री अगर आपने एक लिस्ट ली वन टू थ्री फोर उसके एलिमेंट्स हो गए तो आप वन बाय वन लिस्ट के एलिमेंट्स को आइट्रेट कर सकते हो मीन्स उनको एक्सेस कर सकते हो राइट तो यहाँ पर हमने क्या लिया ओनली एन इंटीजर लिया है तो ये क्या हो गया इट विल क्रिएट एन एरर ओके तो टपल फंक्शन के अंदर सिर्फ आप सिक्वेंस सिक्वेंसेस को पास करोगे ओके okay, और कोई और वैल्यू को पास नहीं करोगे अगर आप करोगे तो व्हाट विल हैपन यू विल हैव द एरर यहाँ पे देखो तो टाइप एरर आ गई है फाइन नेक्स्ट वी हैव द काउंट मेथड ओके दिस फंक्शन इज यूज टू काउंट द एकरेंसेज ऑफ एन आइटम इन द टपल ओके तो काउंट फंक्शन का क्या यूज है इसकी हेल्प से हम काउंट कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर आइटम टपल के अंदर कितने टाइम आया है ओके okay. मतलब कितने टाइम अकर हुआ है वाइन अब सिंटेक्स क्या है टपल नेम टपल का नाम ओके okay. डॉट काउंट फंक्शन और काउंट फंक्शन के अंदर आप कौन सा एलिमेंट पास करोगे जिसको आपको काउंट करना है कि वो टपल के अंदर कितनी बार आया है ओके okay, उसकी कितने बार है टपल में फाइन अब एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास T1 वन टपल है जिसके एलिमेंट्स है टेन ट्वेंटी देन टेन थर्टी देन फोर्टी टेन फाइन अब हमने क्या लिया टी वन, क्या है टपल का नेम डॉट काउंट काउंट टेन ठीक है हमने किसको पास किया टेन को पास किया क्या टेन को इसलिए पास किया क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि टी वन टपल के अंदर टेन कितने टाइम्स आया है कितनी बार आया है तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअली हम देखें तो देखो वन एंड देन टू एंड देन थ्री थ्री टाइम्स आया है ओके okay? तो यहाँ पे अगर आप काउंट खुद से काउंट नहीं करते हो और काउंट uh, फंक्शन की हेल्प से करते हो तो भी रिजल्ट आपका क्या आया है थ्री फाइन ओके टी वन डॉट काउंट टेन फाइन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास है टपल टी टू ओके okay. उसमें है आपका एके दे okay. आपकी है टपल एलिमेंट देन आपका लिस्ट एलिमेंट देन आपका करेक्टर देन आपका इंटीजर एंड देन अगेन लिस्ट ओके तो हमने क्या किया टी टू डॉट काउंट ठीक है टी टू डॉट काउंट हम टी टू टपल में काउंट करना चाहते हैं कि जो हमारा लिस्ट एलिमेंट है ओके okay, जिसके अंदर दो इंटीजर्स uh, है two, वो कितने टाइम्स आया है तो यहाँ पे देखो ये वन टाइम आया है एंड दिस इज टू टाइम्स ओके तो आप इसका रिजल्ट क्या आया है टू टाइम्स फाइन ओके तो काउंट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करें हम काउंट करें कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट uh, एक टपल के अंदर कितने टाइम्स आया है ओके okay? देन आपने किया टी टू डॉट काउंट एक्स वाई टपल तो एक्स वाई टप्पल आप यहाँ पे देख सकते हो वन टाइम आया है तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी आ गया है वन फाइन अब मैंने लिया टी टू डॉट काउंट हंड्रेड अब हंड्रेड तो इस टपल के अंदर है ही नहीं ओके okay? तो क्या है इफ़ द गिवन आइटम इज़ नॉट इन द टपल इट रिटर्न जीरो अगर आप क्या कर रहे हो कि कोई भी ऐसा वैल्यू काउंट फंक्शन में पास कर रहे हो जो टपल के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा जीरो राइट ओके समझ आया अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू काउंट फंक्शन के अंदर पास कर दी जो टपल के अंदर कर ही नहीं करती एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा जीरो इंडेक्स फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मेस्ट आइटम फ्रॉम द टपल ओके इंडेक्स फंक्शन क्या करता है इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स रिटर्न करता है फर्स्ट मेस्ट आइटम मीन्स इंडेक्स फंक्शन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी आइटम का इंडेक्स ठीक है जो फर्स्ट इंडेक्स मतलब अगर वो टू टाइम्स अकर हो रहा है थ्री टाइम्स अकर हो रहा है दैट डजेंट मैटर फर्स्ट टाइम वो कौन से इंडेक्स वैल्यू पे है मतलब उसकी फर्स्ट टाइम जहाँ वो अकर हो रहा है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है ओके इंडेक्स मेथड की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं जैसे आप यहाँ पे देखो टप्पल नेम टपल डॉट इंडेक्स आइटम अब इस आइटम का हमें इंडेक्स मालूम पता करना है कि वो किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है फाइन ओके द इंडेक्स फंक्शन रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द टपल अब देखो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं हमारे पास टपल टीवन है जिसके इंडिविजुअल आइटम्स हैं फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सिक्सटीन एटीन फाइन अब आपने क्या किया टी वन डॉट इंडेक्स सिक्सटीन ओके okay. अब आपको सिक्सटीन का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, अब 16 यहां पर भी है और सिक्सटीन यहाँ पर भी है लेकिन इंडेक्स मेथड क्या करता है जो फर्स्ट इंडेक्स आएगा उसको रिप्रेजेंट करेगा उसको रिटर्न करेगा फाइन फर्स्ट मेस्ट इंडेक्स जो सबसे पहले वैल्यू जो सबसे पहले एग्जिस्ट करेगी वो वाला इंडेक्स जैसे देखो अब फिफ्टीन का इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या जीरो सिक्सटीन का वन है ओके okay, सेवनटीन का आपके पास टू है ओके एंड अगेन जब सिक्सटीन आता है तो उसका थ्री है आपके पास थ्री ओके फाइन एंड देन एटीन का आपके पास फोर है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे रिजल्ट वन आएगा राइट right? वन क्योंकि फर्स्ट टाइम सिक्सटीन कहाँ पर है वन इंडेक्स पर है ओके okay. जो फर्स्ट मैच हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है वन इंडेक्स पर तो आपका रिजल्ट क्या आ गया वन तो इंडेक्स मेथड क्या करता है जहां पे जो आइटम उसके अंदर आप पास कर रहे हो उस आइटम का फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न करेगा फाइन ऐसे यहाँ पे दो बार सिक्सटीन आ रहा है लेकिन रिजल्ट क्या आएगा वन वन क्यों आएगा जो सबसे पहला इंडेक्स मैच आएगा वो रिटर्न करेगा फाइन समझ आया देखो अब एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं टी टू हमने टपल लिया इसके अंदर आपके आइटम्स हैं लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग इसके आइटम्स हैं इसके एलिमेंट्स हैं ओके तो यहाँ पे हमने दिया टी टू डॉट इंडेक्स प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग का इंडेक्स बता दो फाइन तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग वन टाइम ही है तो इसका वन जी देखो इसका लेट्स का होगा इंडेक्स वैल्यू जीरो लर्न का होगा वन एंड प्रोग्रामिंग का होगा टू ओके तो सिंपली यहाँ पे प्रोग्रामिंग का इंडेक्स आ गया है टू ओके इंडेक्स मेथड की हेल्प से इंडेक्स आता है पर्टिकुलर आइटम का ओके okay? तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग आइटम का इंडेक्स आ गया है टू ओके okay? ऐसे यहाँ पे सिक्सटीन आइटम का इंडेक्स आ गया है वन फाइन समझ आया तो इंडेक्स मेथड की हेल्प से आपने क्या किया इंडेक्स फाइंड आउट किया है पर्टिकुलर आइटम का जो टपल में प्रेजेंट है ओके okay? If the given item does not exist in the tuple, it raises value error exception. Okay, अब वो क्या कह रहा है जब आप अगर आप index method में ऐसी uh, कोई item pass करोगे जो tuple के अंदर exist ही नहीं करता तो क्या आएगा error pass error uh, अकर करेगी okay value error exception. Fine, आपकी value error exception आएगा देखो यहाँ पे t1 आपका क्या है tuple name. Okay, tuple उसमें 15, 16, 17 ये आपके values हैं okay items हैं अब हमने क्या t1.index 20 हम 20 का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं बट 20 क्या है टपल के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है टपल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो यहां पे क्या आएगा वैल्यू एरर यहां पे वैल्यू एरर आ गया टपल.index xx not in the tuple देखो सिंपली इसमें रीजन भी आया हुआ है कि जो आप आइटम पास कर रहे हो वो आइटम टपल के अंदर प्रेजेंट नहीं है फाइन ओके नाउ वी हैव द सॉर्टेड फंक्शन

लिस्ट में अरेंज्ड फॉर्म में आते हैं आर यू गेटिंग शॉर्टेड फंक्शन की हेल्प से टपल एलिमेंट्स शॉर्ट होते हैं ठीक है मतलब अरेंज होते हैं ओके okay? लेकिन टपल के अरेंज uh, होने के बाद वो किस फॉर्म में अपीयर करते हैं वो लिस्ट फॉर्म में अपीयर करते हैं ठीक है आपको लिस्ट फॉर्म में मिलते हैं टपल एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एलिमेंट्स इन इट ओके तो ये क्या कह रहा है ये टपल इस फंक्शन के अंदर आप टपल को पास करोगे और आपको क्या मिलेगी शॉर्टेड लिस्ट मिलेगी ठीक है टपल के एलिमेंट शॉर्ट हो जाएंगे और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ओके okay? सो लेटर सिंटेक्स हमारा क्या है शॉर्टेड फंक्शन शॉर्टेड फंक्शन के अंदर आपने क्या पास किया टपल नेम को पास किया ओके एंड यहाँ पे एक और पैरामीटर है पैरामीटर आप कह सकते हो ये आर्ग्यूमेंट ठीक है रिवर्स रिवर्स इक्वल टू टू और फॉल्स ठीक है और ये रिवर्स क्या है ऑप्शनल है

ओके okay? और अगर आपने रिवर्स टू ट्रू कर दिया है इसको तो क्या होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा ओके फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल ओके बाय डिफॉल्ट क्या है स्मॉल टू लार्ज होंगे मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे फाइन समझ आया और ये ऑप्शनल है चाहे आप इसको पास करो चाहे ना करो ओके okay? टपल नेम पास करना जरूरी है जिसको आप शॉर्ट करना चाहते हो फाइन ओके okay, अब हम क्या है शॉर्टेड फंक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे फर्स्ट हमारी क्या है टप्पल टी वन ठीक है इसके एलिमेंट्स है सिक्सटीन ट्वेल्व फोर्टीन इलेवन एंड एटीन ओके अब हमने क्या किया शॉर्टेड फंक्शन के अंदर टप्पल टी वन को पास कर दिया ओके okay, अब क्या होगा शॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा टप्पल टी वन के एलिमेंट्स को अरेंज कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज ओके ओके एंड वो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाएंगे टी टू के अंदर ओके okay, अब यहाँ पे टी टू में जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे किस फॉर्म में

ओके टी थ्री हमारा एक वेरिएबल है शॉर्टेड uh, फंक्शन में हमने पास किया टी वन को टी वन को पास किया और रिवर्स कर दिया ट्रू ट्रू अगर रिवर्स ट्रू करते हो तो क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है ओके फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल ठीक है अब देखो जब आपने टी uh, थ्री uh, को प्रिंट कराया है तो आपके एलिमेंट शॉर्टेड फॉर्म में आए हैं बट कौन से ऑर्डर में आए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आए हैं ठीक है थीके? क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर रिवर्स को पास किया था और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिया है फाइन अब देखो यहाँ पे हमारा एटीन सिक्सटीन फोर्टीन फ्रॉम लास्ट टू स्मॉल वी गॉट राइट ओके नाउ वी हैव अ नोट द द द द सीक्वेंस इन टपल नॉट चेंज एंड डेटा टाइप ऑफ टपल टप्पल टपल तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ये लिस्ट आई है ठीक है वो क्या है uh, अगर आप शॉर्ट मेथड अप्लाई करते तो ओरिजिनल टपल में कोई भी चेंज नहीं आता है फाइन ओके ओरिजिनल टपल एज इट इज रहती है ओके okay? देखो एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पे हमारे हमको टी थ्री मिला है ऐसे हमको यहाँ पे टी टू मिला है टी वन आपका जो है ना एज इट इज रहेगा ओरिजिनल तो टपल है ना उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा फाइन ओके और उसका डेटा टाइप भी चेंज नहीं होगा वो लिस्ट वो टपल ही रहेगा वो लिस्ट नहीं बनेगा फाइन समझ आया जो हमारा ओरिजिनल टपल है टी वन ना तो उ, 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 उसके उसके एलिमेंट्स में चेंज आएगा टाइप में चेंज आएगा वो टपल ही रहेगा ठीक है ये जो शॉर्टेड फंक्शन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको दूसरे वेरिएबल्स मिलते हैं लाइक टी टू टी थ्री ये क्या है ये चेंज होकर फॉर्म में आए हैं फाइन इनके अंदर जो डेटा है वो गेटिंग ओके नेक्स्ट वी हैव मेन फंक्शन ओके दिस मैटर रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द टपल हैविंग द मिनिमम वैल्यू ओके ये क्या कह रहा है इस फंक्शन की हेल्प से हम टपल में से वो एलिमेंट निकालेंगे जिसकी क्या है सबसे छोटी वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है ओके okay. तो ये फंक्शन क्या करेगा वो एलिमेंट आपको रिटर्न करेगा जिसकी टपल के अंदर सबसे स्मॉल वैल्यू है ओके टू यूज मिन फंक्शन ऑल वैल्यूज इन द टपल शुड बी ऑफ सेम टाइप ओके एस वी नो टपल के अंदर क्या हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स हम यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन Min function, अगर आप यूज कर रहे हो तो जितने भी आप वैल्यूज ले रहे हो टपल के अंदर वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए क्योंकि कंपेरिजन करना है ना के अंदर अगर different, different data types के होंगे, तो कंपेरिजन नहीं हो पाएगा आप देखो यहां पे हमारा syntax है min. ठीक है मिन फंक्शन और मेन फंक्शन के अंदर हमने टपल को पास कर दिया यहाँ पे आपने टपल को पास कर दिया मिन फंक्शन के अंदर ओके तो अब क्या करेगा मिन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा जो इस टपल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको पास करेगा राइट एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं देखो टी वन हमने टपल लिया जिसकी वैल्यूज है ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी सिक्सटी ओके अब हमने क्या किया मिन फंक्शन के अंदर टी वन टपल को पास कर दिया तो आप रिजल्ट देखो आपका क्या आ गया है इसने रिटर्न कर दिया है टपल के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी दैट इज ट्वेंटी फाइन ऐसे ही आपने next example देखते हैं टी टू हमने टप्पल ली उसके अंदर हमने एल्फाबेट लिए uh, 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 okay? क्या -क्या? अब देखो यहाँ पे क्या है अल्फाबेट्स है करेक्टर्स है ओके हियर इट विल रिटर्न द अल्फाबेट विद द मिनिमम एस्काई वैल्यू ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा अल्फाबेट्स की एस्काई वैल्यू कंपेयर होगी एक दूसरे से ठीक है अल्फाबेट्स की एसकाई वैल्यू कंपेयर होगी ओके व्हाट इज एसकाई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये क्या है करेक्टर सेट है ओके राइट right? तो करेक्टर सेट में क्या है यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स हैं नंबर हैं सबकी एक पर्टिकुलर एस्काई वैल्यू होती है एक कोड होता है राइट right? तो वो मैच होगी अब जा यहाँ पे देखो मिनिमम क्या कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू है तो यहाँ पे आप देखो मैंने टेबल भी इसलिए आपके कन्वीनियंस के लिए डाल दी है तो देखो यहाँ पे इसकी एसकाई को वैल्यू क्या है सिक्सटी है ठीक है जो आपका कैपिटल है उसकी सिक्सटी फाइव है अगर हम स्मॉल ए देखेंगे तो स्मॉल ए की आपकी नाइन्टी सेवन होती है ठीक है तो सिक्सटी फाइव क्या है स्मॉल है नाइन्टी सेवन बड़ा है कैपिटल बी की आपकी क्या है सिक्सटी सिक्स है और कैपिटल सी की आपकी सिक्सटी सेवन है तो सिक्सटी फाइव नाइन्टी सेवन ओके सिक्सटी सिक्स तो 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 सबसे सबसे छोटा छोटा क्या क्या हुआ हुआ ना तो है है इसके अंदर समझ आया पे तो पे आपका A, इसने return कर दिया है. Now, next example of main function. अब यहाँ पे हमारे पास टपल टी थ्री है जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज है अर्जुन सिद्धि वैष्णवी फाइन सी आपने मेन फंक्शन के अंदर टपल टी थ्री को पास कर दिया ओके okay. अब हमें क्या क्या इसमें से इस टपल मिन क्या इस मिन फंक्शन करेगा जो है इसके एलिमेंट्स में से फाइंड आउट करेगा कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है राइट right? अब सबसे छोटा एलिमेंट में कैसे फाइंड आउट करेगा ये क्या करेगा सबसे पहले सबके फर्स्ट करेक्टर को कम्पेयर करेगा और फर्स्ट करेक्टर की किस चीज को कंपेयर करेगा एसकाई वैल्यू को कंपेयर करेगा जो मैंने अभी आपको समझाया है यहाँ पे ए की एसकाई वैल्यू एस की एसकाई वैल्यू से कंपेयर होगी एंड देन वी बीके एसकाई वैल्यू से कंपेयर होगी अब देखो ए की एसकाई वैल्यू क्या है सिक्सटी फाइव है फाइन एस की एसकाई वैल्यू आपकी क्या है एस की आपकी एसकाई वैल्यू है एटी थ्री फाइन देन आपकी वी की एसकाई वैल्यू क्या है आपकी वी की एसकाई वैल्यू है एटी सिक्स तो सबसे छोटी वैल्यू ए की है ओके तो फर्स्ट में ही सबसे छोटा क्या है ए तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट करेक्टर को ही कंपेयर करके आपका रिजल्ट आ गया है अर्जुन फाइन ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास टप्पल है जिसके क्या है फर्स्ट करेक्टर ठीक है पहले कंपेयर होंगे अब देखो यहाँ पे जब फर्स्ट करेक्टर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो के एन एस की तो ए से ज्यादा है स्काई वैल्यू ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास दो कर, uh, आ गए आर एन एंड अर्जुन अब दोनों का फर्स्ट करेक्टर कंपेयर होगा तो क्या है दोनों की स्काई वैल्यू सेम है सिक्सटी फाइव फिर दोनों का नेक्स्ट करेक्टर कंपेयर होगा आर एंड आर ठीक है आर एंड आर यहाँ पे आर क्या है आपका स्मॉल आर है राइट स्मॉल आर है आपका तो देखो स्मॉल आर की आपकी स्काई वैल्यू है यहाँ पर वन फोर्टीन ठीक है वन फोर्टीन तो यहाँ पे देखो फर्स्ट दो करेक्टर्स की कंपेयर की वो सेम है अब क्या होगा वाई एंड जे की कंपेयर होगी ठीक है तो जे uh, हमारा है वाई एंड जे सो फर्स्ट आपकी जे जे की कंपेयर हुई तो जे आपका है वन जीरो सिक्स ठीक है और वाई आपका क्या है यहाँ पे है आपका वाई वन ट्वेंटी वन तो जे आपका स्मॉल है वन जीरो सिक्स है ठीक है तो अर्जुन के अंदर जे आ रहा है ठीक है जो थर्ड करेक्टर हमने कंपेयर किया ठीक है तो यहाँ पे जे वाई से स्मॉल है तो अर्जुन क्या हो गया मिनिम स्मॉलेस्ट हो गया ठीक है तो यहाँ पे आपका अर्जुन रिजल्ट आ गया समझ आया हम क्या कर जब मेन फंक्शन क्या करेगा करेक्टर्स की एसकाई वैल्यू को कंपेयर करेगा तो यहाँ पे ए आर ए आर दोनों सेम था जे की एसकाई वैल्यू वाई की एसकाई वैल्यू से कम थी तो अर्जुन क्या हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया ठीक है तो अर्जुन इसका रिजल्ट आ गया फाइन इस तरीके से कंपेरिजन होगा अगर टपल के अंदर जो आइटम्स हैं वो कौन से हैं स्ट्रिंग आइटम्स हैं फाइन ओके okay, अभी मैंने आपको बताया था जब आप मिन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो जितनी भी वैल्यूज टप्पल के अंदर होती हैं वो क्या होनी चाहिए सेम डेटा टाइप की होगी ठीक है अगर आप डिफरेंट डेटा टाइप यूज करोगे तो क्या होगा कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है फाइन तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा ओके okay, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं हमने टप्पल ले ली ओके okay, उसके अंदर हैट्रोजीनियस वैल्यू है फर्स्ट इंटीजर देन आपका करेक्टर एंड देन आपका इंटीजर ओके okay? अब आप मेन फंक्शन के अंदर टी, टी फाइव टपल को पास करते हो तो क्या आ गया आपका टाइप एरर आ गया है देखो ये शो कर रहा है नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट फाइन यहाँ पे हम स्ट्रिंग को इंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इंटीजर को इंटीजर के साथ कंपेयर कर सकते हैं फ्लोट को फ्लोट के साथ कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं राइट right? ओके okay? तो आपको क्या हमेशा व्हाट इज मैंडेटरी हेयर अगर आपको मेन फंक्शन यूज करना है तो टपल में जितने भी वैल्यूज है उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए फाइन Now we have max function. This method returns element from the tuple having maximum values. Okay, जब आप max function का use करते हो तो ये क्या return करता है Tuple के अंदर जो भी value maximum largest value है okay उसको return करता है To use max function, all the values in the tuple should be of same type. जैसे हमने min function में किया था कि जितने भी values tuple में pass हो किए हैं आपने जितने भी present है वो same data type के होने चाहिए ऐसे ही अगर आप max function use कर रहे हो तो जितने भी values tuple के अंदर है प्रेजेंट है वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए फाइन अब इसका सिंटेक्स क्या है मैक्स और मैक्स में आपको क्या पास करना है टपल नेम ओके okay, तो टपल नेम पास करने टपल पास करने से क्या होगा टपल पास करने से अब टपल के अंदर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है जिसकी वैल्यू सबसे हाई है वो ये रिटर्न करेगा फाइन Now, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी टपल एलिमेंट्स है ओके okay? आपने मैक्स फंक्शन के अंदर टी वन को पास कर दिया फाइन अब देखो ये इसने क्या रिटर्न कर दिया क्या रिजल्ट आ गया फिफ्टी फिफ्टी क्या है मैक्सिमम वैल्यू है टपल के अंदर फाइन तो मैक्स फंक्शन की है से क्या होगा? जो लार्जेस्ट वैल्यू है टपल के अंदर वो रिटर्न हो जाएगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी राइट right? लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ मैक्स फंक्शन अब यहाँ पे देखो हमारे पास है टपल टी टू ओके इसमें क्या हमने हमने लिया है करेक्टर्स को लिया है ओके अब करेक्टर्स कैसे कंपेयर करेंगे एसकाई इन करेक्टर्स की एसकाई वैल्यूज को हम लोग मतलब टपल मैक्स uh, फंक्शन कंपेयर करेगा फाइन आपने क्या किया मैक्स फंक्शन के अंदर टी टू को पास कर दिया अब यहाँ पे एसकाई वैल्यू क्या होंगी कंपेयर होंगी जैसे मैंने अभी पहले भी आपको एग्जाम्पल में बताया ए की एस्काई वैल्यू क्या है सिक्सटी फाइव है ठीक है देन स्मॉल ए की ASCII वैल्यू क्या है 97 है देन बी की आपकी 66 है एंड कैपिटल सी की आपकी 67 है तो सबसे बड़ा क्या हो गया स्मॉल ए हो गया ठीक है सबसे बड़ा आपका स्मॉल है ए है तो यहाँ पे आप देखो आपका रिजल्ट क्या है मैक्स फंक्शन जब आपने यूज किया है तो स्मॉल ए फाइन क्यों क्योंकि स्मॉल ए की ASCII वैल्यू सबसे ज्यादा है सबसे बड़ी है 97 है फाइन ऐसे ही आपने हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हमारे पास टी थ्री टपल है जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स अर्जुन क्षितिज वैष्णवी सिद्धि फाइन आपने मैक्स फंक्शन के अंदर टी थ्री को पास कर दिया राइट right? अब ये क्या पहले करेगा पहले सबके फर्स्ट करेक्टर की स्काई वैल्यू को कंपेयर करेगा ए के वी एन एस राइट ओके ए की आपके स्काई वैल्यू है सिक्सटी फाइव देन आपका के है के की आपके स्काई वैल्यू है सेवेंटी फाइव फाइन फिर आपका एस uh, है एस की सिद्धि का एस है इसकी की एस का वैल्यू आपकी एट्टी थ्री देन आपका वी है वी की एस का वैल्यू है एट्टी सिक्स तो सबसे ज्यादा क्या है वी की एस का वैल्यू है एट्टी सिक्स ओके तो फर्स्ट करेक्टर को ही मैच करने पे आपको वैष्णवी यहाँ पे रिजल्ट आ गया है फाइन ओके okay? तो आप उसे नेक्स्ट करेक्टर को मैच uh, करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट करेक्टर से ही आपको बिगेस्ट uh, एलिमेंट मिल गया है फाइन नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हमारे पास है टपल टी फोर ओके यहाँ पे आपका अर्जुन अर्णव आर्यन अमित अब देखो फर्स्ट करेक्टर तो सबका सेम है ए ओके अब क्या है देखो स्मॉल आर सबसे पहले एम एम की है वन जीरो नाइन ओके एन आर की क्या है वन फोर्टीन तो आर बड़ा है एम से फाइन ओके तो अब यहाँ पे अमित का तो चांस ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वाला हमें चाहिए ना स्ट्रिंग तो अब इन तीनों के बीच में कंपैरिजन होगा जे एन और वाई में फाइन तो जे क्या है जे की स्काई वैल्यू और एन की स्काई वैल्यू वाई की एस्काई वैल्यू से कम है ठीक है वाई की सबसे ज्यादा होगी वाई की यहाँ पे हमारी वन ट्वेंटी वन है स्काई वैल्यू तो यहाँ पे सिंपली आर्यन आपका रिजल्ट आ गया है थर्ड कैरेक्टर से हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया और आर्यन आपका रिजल्ट आ गया Fine. क्योंकि J और N की एस का y की एस का से कम है। तो यहां पे largest value क्या हो Fine. तो मैक्स मैक्स क्या होगी? तो के का आ गया? Okay, अब मैक्स को यूज करने की क्या रिक्वायरमेंट है मैक्स फंक्शन आप तभी यूज कर सकते हो जो टपल के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सेम डेटा टाइप के होने चाहिए राइट अगर आप डिफरेंट डेटा टाइप यूज करते हो तो उनका कम्पेरिजन नहीं होगा एंड इट विल प्रोड्यूस एन एरर फाइन जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो इसका फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट है और सेकेंड एलिमेंट टपल है ठीक है तो अब अगर आपने मैक्स फंक्शन के अंदर टपल को पास किया तो आप देखो टाइप एरर आ गया है नॉट सपोर्टेड इंस्टेंसेस ऑफ टपल एंड लिस्ट तो लिस्ट और टपल का ये कंपैरिजन नहीं कर सकता ओके तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग द मिन एंड मैक्स फंक्शन दैट टपल शुड कंटेन्स द वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप राइट नेक्स्ट यू हैव सम फंक्शन सम फंक्शन टेक्स द टपल सिक्वेंस एंड रिटर्न द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ टपल ओके सम फंक्शन क्या करता है टपल जो भी टपल आप सम फंक्शन में पास करते हो ठीक है वो उसके सारे एलिमेंट्स का सम करता है और रिटर्न करता है फाइन फॉर सम फंक्शन टू वर्क दैट टपल मस्ट हैव न्यूमरिक एलिमेंट्स और सम फंक्शन तभी वर्क करेगा जब टपल के एलिमेंट्स क्या होंगे नंबर वैल्यूज होंगे न्यूमरिक एलिमेंट्स होंगे समझ आया सम फंक्शन का फंक्शन क्या है सम मेथड का फंक्शन है जो भी टपल आप उसमें पास करते हो वो उस टपल एलिमेंट्स का सम कर देता है उनको एड कर देता है उनका सम आ जाता है ओके okay? उनका सम रिटर्न करता है फाइन और इसकी इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है टपल के अंदर न्यूमरिक एलिमेंट्स होने चाहिए फाइन आप स्ट्रिंग एलिमेंट्स को पास नहीं करोगे फाइन जो तो सिंटेक्स क्या है सम और सम के अंदर आप पास क्या कर रहे हो टपल नेम फाइन एग्जांपल की हेल्प है से समझते हैं टी वन हमारी टपल है जिसके एलिमेंट्स है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी राइट right? आपने इस सम फंक्शन के अंदर टी वन को पास किया तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया टपल एलिमेंट्स का सम आपको मिल गया इसने क्या कर दिया टपल एलिमेंट्स का सम निकाल दिया फाइन ओके नाउ

拜拜。Bye, bye.